हरियाणा विधानसभा विशेष सत्र 26 नवंबर को है। उससे पहले वीरवार को विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पंचकूला से जुड़े कई अहम मुद्दों को साझा किया और विधानसभा में राज्य से संबंधित जनहित मुद्दों को रखा जाएगा इसके भी संकेत दिए। साथ ही पंचकूला में जनता दरबार से लेकर ट्रैफिक नियमों और अन्य जनमानस से जुड़ी समस्याओं के समाधान करने के लिए कार्य सख्ती से किए जाएंगे। मैंने आज यही कहा है कि रुकते नहीं हैं, उनका जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं लगभग 14 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है, मैंने उनको यही कहा है कि सरकार ने जो 14 करोड़ रुपया लगाया है उसका आप उपयोग क्यों नहीं कर रहे। उनके जो उन्होंने कुछ बताया कि 5 या 6 जो कैमरे उन्होंने कहा कि और लगने चाहिए, जो जिससे नंबर जो है ना व्हीकल का नंबर वो स्कैन हो जाए, तो वो उन्होंने कहा एमसी कमिश्नर ने कि जो भी आप कहेंगे हम विद इन नो टाइम लगा देंगे उसके अंदर कुछ। नहीं लगे तो हुए हैं कुछ उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स डीसीपी ने स्पेसिफिक पॉइंट्स कहे हैं कुछ कि 5 या 6 कैमरे और लगने हैं। हाँ तो वो तो उन्होंने कहा कि विद इन नो टाइम हम उसको लगा देंगे। कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि जो कवर नहीं कर रहे। एक आपने जो अतिक्रमण की बात कही है कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, आपको याद होगा कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक आपके अफसर आए थे विराट एस्टेट ऑफिसर लगे थे। हाँ। तो हालांकि जब वो उन्होंने अतिक्रमण हटाए तो उनको ही हटा दिया गया। नहीं नहीं उसके पीछे वो कारण नहीं था है? उसके पीछे वो कारण नहीं था उसका विराट नहीं उसका कारण कुछ और था। लेकिन उन्होंने अतिक्रमण काफी अतिक्रमण तो खैर उन्होंने अपने आप को वो दिखा दिया कि हम इसमें शहीद हो गए, उसका कारण कुछ और था। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।